कैसे लेती है आप? मैं समझती हूँ क्योंकि सच बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो सच जब भी उजागर होता है तो उसे तकलीफ होती है। मैं सभी युवाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है? क्या हमारी आज महिलाएं असुरक्षित नहीं है? क्या आज हमारे किसान बदहाल हालत में नहीं है? क्या आज हमारी फौज में जो अग्निवीरों की जो व्यवस्था है वो क्या है? तो मैं समझती हूँ सच बोलने में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो इसलिए हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि यह बात निकल के बाहर आए और पूरा देश और पूरा विश्व ये बात को जानता है कि आज उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसी के साथ पूरे देश में आज महिलाएं असुरक्षित हैं, तो पूरा विश्व ये बात जानता है और सच बोलने में कोई जगह नहीं देखी जाती है, सच सच होता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, 10 सीटों पर उपचुनाव, कैसे देखती है आप, क्या परिणाम रहने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी जो कहते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो कहाँ गई उनकी जो बात बोली गई थी? तो मैं समझती हूँ जहाँ जो लोग बोलते हैं वो काम करके नहीं दिखा पाते, तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और मैं समझती हूँ जब चुनावों की घोषणा होगी उत्तर प्रदेश में और जब परिणाम आएंगे तो हम देखेंगे नतीजे कि कितने अच्छे नतीजे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के आने। मैम, सुल्तानपुर में एनकाउंटर पर अखिलेश जी के अलावा कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। किसी भी तरह का एनकाउंटर, क्योंकि यह अमानवता का प्रतीक है, एनकाउंटर की जो प्रथा जो ये भाजपा चला रही है ये कहीं ना कहीं अमानवता की प्रतीक है, और जो यह पार्टी अपने आप को बहुत ही धार्मिक पार्टी मानती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के एनकाउंटर से या किस तरह का धर्म दिखाना चाहती है पूरे देश में, किस तरह का संदेश देना चाहती है, तो कहीं ना कहीं जहाँ संविधान को लगातार ये लोग कुचल रहे हैं, वहीं जो न्यायिक जो हमारी प्रणाली है, जो न्यायालय है जहाँ के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिलता है, कहीं ना कहीं यह सरकार उसको भी कुचलने का काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, सीएम अखिलेश जी पर एक जाति विशेष के लोगों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2017 से पहले ये एक संरक्षण गुंडों को संरक्षण दिया करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज मौजूदा भाजपा की जो सरकार है उसमें पूरे प्रदेश के क्या हालात हैं। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भाजपा जो इतना भारी मत जो लोगों का जो साथ मिला है समाजवादी पार्टी को, कहीं ना कहीं उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखला गई है, इस वजह से ये इस तरह के बयान दे रही है। मैं समझती हूँ हमारे देश को हमारे प्रदेश को आज एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो इस देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम करे, जो जाने कि किस तरह व्यवस्था अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह महिलाओं को सुरक्षा दी जा सकती है, किस तरह युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है।